कोलकाता की बेंगलोर पर उसके घर में लगातार 5वीं जीत, सुयश और वरुण की फिरकी में फंसी कोहली की टीम। जी हाँ दोस्तों, हम बताते हैं आपको इस मैच के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट खबर, बस बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में अंत तक। IPL 2023 के 36वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 21 रन से हरा दिया है। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 200 रन बनाए। जैसन रॉय ने 29 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 56 रन बनाए। वहीं कप्तान नीतीश राणा ने 21 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 48 रन की पारी खेली। जवाब में बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 189 रन ही बना सकी। कप्तान विराट कोहली ने 37 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 54 रन की पारी खेली। कोलकाता की टीम लगातार 4 मैच हारने के बाद पहला मैच जीती है। वहीं बेंगलोर की टीम को लगातार 2 जीत के बाद हार मिली है। KKR के 8 मैचों में 3 जीत और 5 हार है। 6 अंकों के साथ टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं बेंगलोर की टीम 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोलकाता की बेंगलोर पर लगातार दूसरी जीत हुई है, तो कोलकाता की टीम ने इस सीजन बेंगलोर के खिलाफ अपने दोनों मैच जीते हैं। इससे पहले KKR ने RCB को ईडन गार्डन में 81 रन से हराया था, तब KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए थे और बेंगलोर को 123 रन पर ही समेट दिया था। उस मैच में कोलकाता के स्पिनर ने बेंगलोर के 9 विकेट लिए थे। वहीं इस मैच में भी KKR के स्पिनर्स ने RCB के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। सुयश ने 2 और वरुण ने 3 विकेट झटके। बेंगलोर और कोलकाता की टीमें अब तक 32 बार आमने सामने आ चुकी है, इनमें से हमेशा कोलकाता का पलड़ा भारी रहा है। KKR ने 18 मैच जीते हैं जबकि बेंगलोर ने 14 मुकाबले जीते हैं। वहीं अगर बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें 12 बार आमने सामने आ चुकी है, इनमें से कोलकाता ने 8 मैचों में और बेंगलोर ने 4 मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमें पिछले 6 मैचों में KKR ने 4 और बेंगलोर ने 2 मैच जीते हैं। 2016 से लेकर अब तक कोलकाता ने बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 5 मैच खेले हैं और 5 मैचों में जीत हासिल की है। कोलकाता की पारी की अगर बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 200 रन बनाए। जैसन रॉय और नारायण जगदीशन ने पहले विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी निभाई। जैसन ने इस सीजन पर अपना लगातार दूसरा अर्धशतक 22 गेंदों में पूरा किया। यह उनका ओवरऑल IPL का 4th अर्धशतक है। 10वें ओवर में विजय कुमार वैशाख ने जगदीशन और जैसन दोनों को आउट किया। वैशाख ने पहले जगदीशन को डेविड विली के हाथों कैच कराया, 29 गेंदों में 27 रन बना सके। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जैसन रॉय को क्लीन होल्ड कर दिया। जैसन रॉय 29 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 56 रन बना सके। इसके बाद कप्तान नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी निभाई। सिराज और हर्षल ने नीतीश के 2 कैच छोड़े और 2 जीवन दान दिए। इसके बदौलत कप्तान ने 21 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 48 रन की पारी खेली। 18वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने नीतीश और वेंकटेश दोनों को पवेलियन भेज दिया। पहले उन्होंने नीतीश और वैशाखी के हाथों कैच कराया, इसके बाद वेंकटेश को मैक्सवेल के हाथों कैच कराया। वेंकटेश 26 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 31 रन बना सके और आंद्रे रसेल एक बार फिर फेल हुए और 1 रन बनाकर सिराज की गेंद पर क्लीन होल्ड हो चुकी। रिंकू सिंह 10 गेंदों में 18 रन और डेविड वीज 3 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रही। बेंगलोर की ओर से वनिंदु हसरंगा और वैशाखी ने 2 विकेट लिए, वहीं सिराज को 1 विकेट मिला। आखिरी 5 ओवर में कोलकाता ने 3 विकेट गंवाए और 69 रन बनाए। आखिरी ओवर में KKR ने 15 रन जोड़े। जी हाँ दोस्तों, अब हम बता देते हैं आपको इस मैच के बेंगलोर की पारी के बारे में। 201 रन का पीछा करने उतरी जब बेंगलोर की टीम, तो इम्पैक्ट प्लेयर पैट डुप्लेसिस और कप्तान विराट कोहली ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने 2 ओवर में 30 रन जोड़ लिए थे। इसके बाद 3वें ओवर में लेग स्पिनर सुयश ने गेंदबाज के लिए आए और डुप्लेसिस का विकेट लिया। वह 7 गेंदों में 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 17 रन बना सके। इसके बाद सुयश ने शहबाज अहमद को LBW आउट किया। वरुण चक्रवर्ती ने क्लेन मैक्सवेल को अपना शिकार बनाया, वह 5 रन बना सके। इसके बाद कोहली और महिपाल लोमरो ने 2 विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी निभाई।
स्लोमर और रन रेट बढ़ाने के चक्कर में वरुण की गेंद पर रसेल को कैच थमा बैठे, वह 18 गेंदों में एक चौका और तीन छक्कों की मदद से 34 रन बना सके। इस बीच कोहली ने सीजन का पांचवा अर्धशतक लगाया, उन्होंने 33 गेंदों में 50 पूरी की। यह कोहली के आईपीएल का करियर का 49वां अर्धशतक था। हालांकि आस्किंग रेट बढ़ने पर कोहली की रसेल की गेंद पर वेंकटेश को कैच थमा बैठे, वह 37 गेंदों में वह 6 चौके की मदद से 54 रन बना सके। दिनेश कार्तिक 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए और सुयश प्रभुदेसाई 10 रन और वनिंदु हुसरंगा 5 रन बनाकर आउट हुए। डेविड विली 11 और विजय कुमार वेसा 13 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता की ओर से वरुण ने 3 विकेट लिए। उन्होंने उस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वहीं सुयश शर्मा ने आंद्रे रसेल को 2-2 विकेट मिले। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार आज के इस मुकाबले में, आज के इस मैच में कोलकाता की बेंगलोर पर उसके घर में लगातार 5वीं जीत हो चुकी है और सुयश वरुण की फिरकी से फंसी कोलकाता की टीम। तो दोस्तों 36वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 200 रन बनाए। जवाब में बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 188 रन ही बना सकी। तो कुल मिलाकर कोलकाता ने बेंगलोर को 21 रन से हरा दिया है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।